नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में इलाज के दौरान युवक की मौत। सड़क पर शव रखकर परिजनों ने लगाया घंटों जाम। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के बसिया गांव में 29 जुलाई 2023 को रास्ते के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 4 नामजद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिर पर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल अरुण कुमार पुत्र खड़क भान उम्र 42 वर्ष लघु इलाज चल रहा था, इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत परिजनों ने सोमवार को बढ़िया मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा उसके सस लाइसेंस को निरस्त करने की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अतुल्य धर्मेंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार अभिषेक सिंह, क्षेत्राधिकार महेंद्र प्रसाद शुक्ला तथा कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। परिजनों की मांग थी कि पर अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए व अभियुक्त के सस लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाए, साथ ही रास्ते के विवाद को त्वरित निस्तारण किया जाए। क्षेत्राधिकार व तहसीलदार ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझा कर जाम को समाप्त करवाया और मौजूदगी में ही शव को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बताया कि परिजनों का रास्ते का विवाद तथा लाइसेंसी बदोश के निस्तारीकरण की मांग है। पीड़ित और विपक्षी के मुकदमे के दौरान समझौता भी हुआ है। जल्द ही राजस्व टीम का गठन कर रास्ते के विवाद का सीमांकन कर मामले का निस्तारण किया जाएगा। क्षेत्राधिकार महेंद्र प्रसाद शुक्ला ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी और बंदूक के लाइसेंस का निस्तारीकरण तथा विवादित जमीन के निस्तारण की मांग की गई थी, जिसमें तहसीलदार द्वारा टीम गठन कर जमीन का निस्तारण और जल्द ही फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। वही जांच कर सस्त लाइसेंस के निस्तारीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। क्या घटना हुई उसके बारे में बताइए। जो जमीन को लेके विवाद था, रास्ते के लिए विवाद था, चाचा को हमारे लोग कुछ ज्यादा मार दिए, जिसकी वजह किस वजह से मारपीट हुई है वो रास्ते के लिए, रास्ते के लिए करके। अच्छा, तो अभी मौके पे क्या दादा की मौत हो गई या पिताजी की मौत हो गई है? उनकी मौत हो गई है। तो मौके पे प्रशासन, मौके पे SDM, तहसीलदार, CO साहब भी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन लोग, आप लोग की क्या मांग थी? जीव संबंधित मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है और उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जमीनी समस्या का निस्तारण करने की बात कही है और सभी मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कराने की आश्वासन दिया है हमें और हम परिवार वाले इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि सभी मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और हमें न्याय मिले। आप लोग प्रशासन आए तो उससे संतुष्ट हैं? जी, हुआ था किसी कार्य से और मुझे सूचना मिली कि जो 28-29 तारीख को जो विवाद हुआ था उसमें बंटी नाम के व्यक्ति जो थे उनको जो गंभीर चोट आई थी मारपीट के दौरान, उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पा करके मैं यहाँ पर तुरंत आया, क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति होने के नाते लोगों ने मुझे बताया और मैं यहाँ पर आकर के लोगों से मिलने की कोशिश किया। उस समय वो लाश यहाँ पर अतरुलिया आ नहीं पाई थी, बसिया आ नहीं पाई थी, तो मैंने उन लोगों से बात किया तो कहें कि लगभग 7:30-8 बजे के लगभग लाश आ जाएगी। तो यहाँ के लोग क्षुब्ध थे प्रशासन की कार्रवाइयों से, तो हमने बात किया, संबंधित लाश को थाने पर लेकर के गए और उसके बाद जो है पुलिस महकमे के लोगों से बात की गई। वहाँ से यशो साहब ने हम लोगों को अपने वार्ता से संतुष्ट किया कि देखिए संबंधित मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, लेकिन अब टर्म कंडीशन ये है कि इस समय अमुक व्यक्ति की डेथ हो गई है तो अब सीन यहाँ पर बदल चुकी है, लेकिन हम आश्वासन देते हैं आपको जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। 4 लोगों का नामजद था, चारों में से 3 गिरफ्तारी हो गई, 1 के खिलाफ NBW हुआ है। और अगर ये लोग चाहते हैं, वादी अगर चाहता है किसी का नाम बढ़ाना, 2 लोगों का अज्ञात बिठा कर अन्य लोगों का भी नाम अगर वो बढ़ाना चाहते तो हम बढ़ाएंगे जितना हो सकेगा। ये मृतक परिवार, जो विक्टिम परिवार है, जो इस समय पीड़ा के अवसाद से ग्रसित है, उसको पूर्ण रूप से क्या नाम है प्रशासन द्वारा उनको मदद की जाएगी और मुझसे बोले कि आप वहाँ पर जा करके घटनाक्रम में किसी प्रकार का उस तरह का कोई सरकारी क्षतिग्रस्त ना हो और जो मतलब वादी प्रतिवादी के बीच में फिर किसी प्रकार का
मारपीट ना होने पाए, इसलिए थोड़ा सा आप जा करके नज़रें बनाए रखिएगा। तो मैं सुबह में आ गया और उसके बाद जो है थोड़ी सी कुछ कहा सुनी के बाद जो है प्रशासन के लोग आए, SO आए, CO साहब आए, SDM साहब आए, सारे लोग इन मृतक परिवार को कहीं कहीं से असंतुष्टि थी कि वो लोग आए हमको आश्वासन दे, क्योंकि वो राजस्व संबंधित मामला था, ज़मीनी विवाद था गलियार रास्ते को लेकर के, और उन लोगों ने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित सापेक्ष जो दंड के भागी हैं उस अपराध के सापेक्ष उनको दंडित किया जाएगा और संबंधित विभिन्न संलग्न करके धाराओं में उनको जेल भेजा जाएगा। फिर सारे लोगों सम्रांत व्यक्तियों के समक्ष वार्ता के फलस्वरूप इस बात का निस्तारण हुआ कि अब जो है मतलब लाश को डिस्पोज किया जाए। फलस्वरूप सारे लोग, घर परिवार के लोग, उनके नाते रिश्तेदार निर्णय लिए, अंतिम निर्णय हुआ कि मामले को ख़त्म किया जाए और फिर लाश जो है डिस्पोज होने के लिए चली गई और सारे लोग मतलब हम लोगों को इस कार्रवाई से ये लोग संतुष्ट हैं, इनके परिवार वाले कार्रवाई से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, तभी प्रशासन को मतलब उन्होंने रिलीज किया, प्रशासन लोगों को आश्वासन दिया। ठीक है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।